यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की बैठक की और इस दौरान जनता के बीच जाकर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा गया कि जनता की समस्या को मंत्री तत्काल दूर करें और किसी भी हाल में जनता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तमाम बातें उन्होंने कही। इसी के साथ सीएम योगी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को निर्देश भी दिए हैं और कहा कि योगी जनता की समस्याओं का निवारण करें, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान सभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बेहतर काम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही इस बैठक में उन प्रत्याशियों को भी शुभकामनाएं दी गई जो लोकसभा चुनाव में जीते हुए हैं। बैठक के बाद मंत्रियों ने कहा कि आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई कि जनता के बीच जाकर और बेहतर तरीके से कैसे काम करना है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए कि किसी भी क्षेत्र में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता के लिए हमें काम करना है। तमाम 3 महीने से आचार संहिता की दृष्टि से तमाम काम सरकार के रुके हुए हैं, वित्तीय खर्चे रुके हुए हैं, उनको किस तरह बढ़ाना है और क्या क्या बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए, सरकार के वित्तीय खर्चों की व्यवस्था करने के लिए तमाम निर्देश परिवार की मुखिया की तरह माननीय मुख्यमंत्री ने देने का काम किया है। और रूटीन व्यक्ति से अलग कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए गुड गवर्नेंस के जितने भी आयाम थे सभी पर चर्चा हुई कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, अपने प्रभार जनपद को देखें, अपने क्षेत्र को देखें और अपने विभाग में बेस्ट परफॉर्मेंस दें। तो मंत्री चुनाव जीते उनको शुभकामनाएं दी गई, जितेंद्र प्रसाद जी को, अनु वाल्मीकि जी को, पार्टी में जिन कार्यकर्ताओं ने सबने काम किया उनको बधाई दी गई और अधिक जवाबदेही और अधिक जिम्मेदारी लेकर के हम लोग काम करना है अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने जनपद के प्रभारी उस क्षेत्र में और अपने विभाग के बारे में, यानी और अधिक परफॉर्मेंस दे पाए और आने वाले समय को मजबूत करना, ऐसा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया। अब जो हारे उसमें क्या उसकी अलग से होगी, बस जिन्होंने सबने काम किया है काम का धन्यवाद और अधिक परिणाम और अधिक काम और अधिक परिश्रम, यानी पिछली चीजों से तो और सबक लेते हुए और अधिक परफॉर्मेंस हमको अपने क्षेत्र में देना है, काम करना है, जनता से और अधिक जुड़ा हो, ऐसा निर्देश हमारे मुख्यमंत्री को। आगे कैसे बेहतर किया जाए वही का सुझाव रहा है और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं तो सबका इन्हें बधाई दी, तो स्वाभाविक है। हमारे मंत्रिमंडल के साथी जो थे उन्होंने बधाई दी, जो लोकसभा के चुनाव जीते हैं तो स्वाभाविक है, जो लोग जीत के आए हैं, हमारे अनुप वाल्मीकि जी भी थे, उनको भी बधाई दी गई, हमें भी बधाई दी गई। लंबे समय के बाद आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई, स्वाभाविक रूप से चुनाव के भी पर भी चर्चा हुआ और हमारे मंत्रिमंडल के 2 सहयोगी जीत करके संसद में गए हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से बधाई दिया और अपने विभागीय जो कार्य जो है पिछले 3 महीने से, क्योंकि सभी लोग चुनाव में व्यस्त थे, तो उसका भी एक समीक्षा हुआ और सभी वित्तीय स्वीकृतियां जल्द से जल्द हों और सब काम जो है धरातल पर दिखे, इसके लिए भी हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज बैठक हुई हम तमाम मंत्रियों की, प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना, प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करना जो योगी और मोदी सरकार का एजेंडा है, इस एजेंडे पर पूरी ईमानदारी से धरातल पर काम करना है, जनता के विकास से जुड़े मुद्दे पूरी ईमानदारी से उनको हल करना है, प्रदेश के विकास को जिस तरह हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको इसी गति में आगे बढ़ाना है, यही एजेंडा रहा। बहरहाल आज की बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई। मंत्रियों ने कहा कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में काम पर लग गए थे जिसकी वजह से बैठक नहीं हो पाई है। फिलहाल बैठक में जो भी निर्देश दिए गए हैं हम सब उनका पालन करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं, जबकि उम्मीद ज्यादा की थी। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम योगी के निर्देश के बाद मंत्री कितना जनता के बीच जाकर काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।